हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ किडनीज। ठीक है, कौन कौन सी किडनियाँ होती हैं, टाइप्स मिलेंगे आपको किडनियों में। कई बार एग्जाम में पूछते हैं मेटानेफ्रिक किडनी क्या होती है, मीजोनेफ्रिक किडनी क्या होती है, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए प्रोनेफ्रिक क्या होती है, मीजोनेफ्रिक क्या होती है और मेटानेफ्रिक क्या होती है। ठीक है, हम यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं। आपकी भ्रूणीय प्रवर्धन के दौरान एक नेफ्रो, ये जो एक साइड की दिख रही है आपको पूरी प्लेट, इसे बोलते हैं हम नेफ्रोटेम प्लेट। ये एक साइड की, दूसरी साइड की नेफ्रोटेम प्लेट। ठीक है, इसके तीन पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ऊपर का पार्ट है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं प्रो पार्ट, प्रो नेफ्रोटोम पार्ट। इसे बोल रहे हैं हम मीजो। ठीक है, इसे हम बोल रहे हैं मेटा, यानी कि प्लेट का अग्रभाग प्रो कह रहे हैं हम, मध्य वाले भाग को मीजो कह रहे हैं, और सबसे पश्च वाला भाग है प्लेट का, उसे हम क्या बोल रहे हैं, मेटा बोल रहे हैं। ठीक है, अब भ्रूणी परिवर्तन के दौरान ये जो प्लेट बनती है, तो ये प्लेट किससे बनती है, मीजोडर्म से बनती है, मीजोडर्म से। गैस्टुलेशन में तीनों परतें बनती हैं, तीनों लेयर, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। ठीक है, तो नेफ्रोटोम प्लेट आपकी किससे बनती है, मीजोडर्म से। तो इस प्लेट में अगर आपके जो ब्रक हैं, किडनी हैं, अगर अग्रभाग से विकसित होती है, यानी कि इस भाग से विकसित होती है, बाकी की मध्य वाला पार्ट और पश्च वाला पार्ट है, ये कैसे हो जाते हैं, वहाँ पे नष्ट हो जाते हैं, तो इससे बनने वाले किडनीज को आप क्या कहेंगे, प्रो नेफ्रिक किडनी। ठीक है, ओके। अगर आपके मध्य वाले नेफ्रोटोम प्लेट के मध्य वाले पार्ट से आपकी किडनी डेवलपमेंट होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मीजोनेफ्रिक किडनी। और मध्य वाला पार्ट ही डेवलप होगा, बाकी का अग्र और पश्च वाला भाग, ये कैसे हो जाएंगे, वहां पे डिजनरेट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अगर प्लेट का पश्च भाग, यानी कि मेटा वाला पार्ट है प्लेट का, वो डेवलपमेंट होके क्या बनाता है, किडनी बनाता है, तो उस टाइप की किडनी को आप क्या बोलेंगे, मेटानेफ्रिक किडनी। ठीक है, यहां से आप नलिकाएं भी निकाल सकते हैं, ये क्या है, मीजोनेफ्रिक डक्ट। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि तीन टाइप की आप किडनी देख सकते हैं, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक किडनी। भ्रूणी परिवर्तन के दौरान मीजोडर्म से नेफ्रोटम प्लेट बनती है, उस प्लेट के अग्र भाग से अगर किडनी बनती है, आपके ब्रक बनते हैं, और बाकी के सारे पार्ट हैं वो डिलीट हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, तो उस किडनी को बोलेंगे प्रोनेफ्रिक। अगर मध्य वाले पार्ट से डेवलपमेंट होता है तो उसे मीजोनेफ्रिक, अगर पश्च वाले भाग से होता है किडनी का डेवलपमेंट, उसे मेटानेफ्रिक कहेंगे। ओके, अब इसमें एग्जांपल देखें, हमें प्रोनेफ्रिक किडनी किन किन में मिलती है, तो ये आपके मिलती है, किस में मिलेगी, प्रोनेफ्रिक आपकी मिलती है साइक्लोस्टोमेटा, जो कि किसके एग्जाम्पल हैं, ये आपकी मछलियों पे परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, साथ में ही जो मेढक का जो टेडपोल लार्वा होता है, टेडपोल लार्वा, वो भी उसमें भी प्रोनेफ्रिक किडनी का टाइप मिलेगा। जबकि मीजोनेफ्रिक के एग्जाम्पल कौन होंगे, मीजोनेफ्रिक के होंगे आपके एम्फीबियंस, एम्फीबियंस या फिर आपकी मछलियाँ, मोस्टली मछलियाँ। ठीक है, मछलियाँ, ओके। मेटानेफ्रिक के देखते हैं, जो सब सर्वाधिक, क्योंकि इसमें जो विभेदन होता है मेटानेफ्रिक किडनीज में, इसमें आपकी जो किडनी है वो ज़्यादा विभेदित होती है, क्योंकि इसमें वो जो बोमन कैप्सूल बनता है, इसमें हेनले का लूप बनता है, समीपस्थ कुंडल नलिका बनती है, दूरस्थ कुंडल नलिका बनती है, जबकि मेटा मीजो और प्रो में इतना डेवलपमेंट नहीं होता है। तो मेटा सबसे डेवलप टाइप की किडनी है, और ये मिलती है आपकी किसमें मिलेगी, ये मेटानेफ्रिक वाली, पक्षियों में, स्तनधारी यहाँ पर आपकी रेप्टाइल्स में। ओके गाइस, तो अगर आपसे पूछा जाता है सब मोस्ट डेवलपमेंट टाइप्स ऑफ किडनी, दैट इज मेटानेफ्रिक, बिकॉज इट इज मोस्ट डिवाइडेड और रेगुलेटेड पार्ट। मीजोनेफ्रिक में ब्रक इतना विभेदित नहीं है, वो प्लेट के मध्य पार्ट से डिवाइड हो रहा है, बन रहा है,
ठीक है, इसमें भी आपकी जो किडनी के पार्ट्स हैं वो विभेदित नहीं होते हैं, सामान्य नलिका के रूप में मिलती हैं। ओके, तो गाइस ये था।